हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। मैं निखिल श्रीमाली एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडी फॉर स्टडी पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने कल सर्कल के बारे में कुछ बातें की थी, आज कुछ बातें बची हुई उसी बातें को पूरा करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा ये सर्कल था फ्रेंड्स, जिसकी रेडियस थी आर। अगर ये सेंटर है OA, ठीक, और ये मान इसको जोड़ दिया तो B। तो हम लोग ने पढ़ा था क्या, BA क्या था हमारा कल, रेडियस। इसको रेडियस आर से डिनोट करेंगे और हिंदी में बोलेंगे इसको त्रिज्या। ओके फ्रेंड्स, ओके, और ओके सॉरी, रेडियस फ्रेंड्स सॉरी, इसको हम लोग डायमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायमीटर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यास। ओके, और जिसको डी से डिनोट करेंगे, ओके, और डायमीटर बराबर याद रखना है आपको। क्या याद रखना है, डायमीटर बराबर क्या होता है, देखिए इस डायमीटर को आप जोड़िएगा, देखिए ना, आप ही बोलिए क्या होगा, OB प्लस OA, और यह है क्या, R प्लस R, विजुअल। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर बराबर, रटना नहीं है। देखिए चीजें कहाँ से आई हैं, आप एकदम 2 2, ये होता है फॉर्मूला। ओके, अगर R बराबर 2 सेंटीमीटर है तो प्रश्न आपसे कैसे पूछ सकता है, डायमीटर बराबर देखे क्या हो जाएगा, 2 × 2 सेंटीमीटर, डायमीटर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ओके, एक चीज यहां से और निकल के आती है फ्रेंड्स, यहीं से कि रेडियस बराबर भी क्या लिख सकते हैं, डायमीटर बाय 2। ओके, ये यहाँ पे इतनी सारी बातें, ठीक फ्रेंड्स। अच्छा, अब हम लोग ने बात कर लेते हैं थोड़ा सा, हम लोग पेरीमीटर की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। किसकी, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। इसको हिंदी में फ्रेंड्स बोलेंगे क्या, वृत्त का परिमाप, या बोलो परिधि। ओके, वृत्त का परिमाप बोलो या परिधि बोलो, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, 2πr, हमारा ये फॉर्मूला होता है 2πr। बोले तो पेरीमीटर बराबर क्या आप लिखोगे, 2πr। ओके फ्रेंड्स, और पाई का मान मैंने बताया था कल भी, आज भी लिख लीजिए, पाई इज इक्वल टू बाई 7 या 3.14। ये रेशनल नंबर है, यही रेशनल नंबर है, पढ़ेंगे हम लोग 10th क्लास में कैसे है, नहीं इसको प्रूफ में भी मैं करूंगा फ्रेंड्स। ओके, सो ओके, इतना चीज सर्कल था क्लास 6 लेवल का। ओके, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसके लेवल से मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, उसी को कवर करते चल रहा हूँ, 6, 7, 8, 9, 10 तक पहुंचूंगा। ओके, अब देखते हैं क्या फ्रेंड्स, थोड़ा सा और कुछ मिसलेनियस बातें कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद जरूरी है जानना आप लोगों को। क्या देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में क्या बोले थे कल, समबाहु त्रिभुज। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या किसको बोले थे, जरा देख भी लेते हैं डायग्राम के साथ, ABC ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर ये साइड्स क्या है, ए है तो। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पे हम लोगों को दो चीज पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या होता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, √3/4 × a² विजुअल, याद रखिएगा ये फॉर्मूला फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैं प्रूफ करूंगा क्लास 8 या 9 में चल के, इसको मैं प्रूफ करूंगा कैसे फॉर्मूला आया। ओके फ्रेंड्स, और अगर मैं इस त्रिभुज को, इक्विलेटरल ट्रायंगल को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां से डालूं, दिस इज एच हाइट, अगर AD हाइट है तो आपसे पूछ सकता है क्या, क्या पूछेगा, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, ऊंचाई जिसको हमने क्या बोला, h बराबर, देखिए क्या होगा, याद रखिएगा फ्रेंड्स ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैं प्रूफ करूंगा, √3/2
इंटू ए, इसको भी मैं प्रूफ करूंगा फ्रेंड्स। ओके अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, क्या ये हमारा था क्या फ्रेंड्स, इसको देख लेते हैं, ये हमारा फ्रेंड्स था 90 डिग्री ए बी सी, इसको क्या बोला था हम लोगों ने कल, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। ओके अगर ये बेस बी ए एस सी बेस इसको बोलते हैं फ्रेंड्स, आधार आधार और इसको बोलते हैं हाइट, इसको हिंदी में क्या बोलोगे आप, ऊंचाई। ओके तो इसका एरिया होता है फ्रेंड्स याद रखिएगा हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ हिंदी में आधार इनटू ऊंचाई याद रखिएगा। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं फ्रेंड्स पता होगा आपको, लेकिन फिर भी एक मेरा तो कर्तव्य बताना, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर देखिए √3/4 a² ओके और इसका हाइट क्या हो जाएगा √3/2 a। ओके ए क्या है साइड है, ओके फ्रेंड्स साइड है, ये भी साइड है, भुजा का स्क्वायर यहां लिख सकते हैं या यहां √3/2 side लिख सकते हैं। ओके राइट एंगल ट्रायंगल बराबर देखिए होता है एरिया क्या होगा हाफ बेस इनटू हाइट। ओके ये सारे फॉर्मूलों को मैं आने वाले समय में प्रूफ करूंगा फ्रेंड्स। ओके आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, आशा करता हूं ये सारे कंटेंट आपको बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे फ्रेंड्स, विश्वास कीजिए आपको ये बहुत ही आने वाले समय में काम देंगे। ओके सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।